ऐसे लोगों के वजह से दुर्घटना होता है। टेम्पो में भाई साहब ऊपर भाई एक गाड़ी जस्ट अभी दारू का पकड़ा, एक बार दिखा दो भाई। फर्स्ट टाइम लव यू भाई, फर्स्ट टाइम भाई से मुलाकात कराया जा रहा निकालने के लिए। भाई दिखा दो अपना गाड़ी आगे बढ़ा दे। जिस पेट्रोल पंप पे 800 से ऊपर। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका है सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग। फाइनली गाड़ी अगर खाली हो चुका था, गाड़ी खाली करने के बाद फिलहाल आ चुके हैं भाई हाईवे पे। ये भाई नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता रोड। भाई सीन चेक करो यार, जबरदस्त वाला सीन है। चारों तरफ पहाड़ है और आपका बीडीएम भाई पहाड़ों के बीच में, काफी मजा आ रहा है। बता दे भाई अपना गाड़ी अभी भी लोडिंग कंफर्म नहीं हो पाया है। एक पार्टी ने बोला है कि आप गया की तरफ आइए, अगर लोडिंग कंफर्म हो जाता है तो आज लोडिंग कर देंगे। उन्होंने बोला है कि भाई एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, अगर भाई रुकना होगा तो हम लोडिंग नहीं करेंगे। अगर आज सेम डे में लोडिंग होता है गया से तो गया से लोडिंग कर लेंगे। भाई बंगाल में मैंने पता किया था, बंगाल में गाड़ी का लोडिंग फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो भाई दो दिन तीन दिन चार दिन बैठना पड़ जा रहा है, तो इसी वजह से हम बंगाल नहीं जा रहे। तो फिलहाल इस वीडियो को इसे कंटिन्यू करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इधर से निकलते हैं आगे भाई, लाइक करके जाना है यार, सीन चेक करो भाई जबरदस्त है। फिलहाल भाई निकलेंगे आगे, तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और लगाते हैं भाई गियर। भाई जबरदस्त सीन है यार, भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। आज मौसम भी काफी अच्छा है, तो हम गया वाले रोड में आगे बढ़ेंगे भाई। कुछ नाश्ता पानी भी हमने नहीं किया है, अभी भाई बच चुके हैं दिन का 11। गाड़ी अगर खाली होने थोड़ा टाइम लग गया था। चलते हैं पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आगे सफर कंटिन्यू करेंगे। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं दुमरी टोल प्लाजा। बहुत लोग इसको इसरी टोल प्लाजा भी बोलते हैं भाई। और आजकल क्या हो रहा है पता है, हमारे ईमेल में भाई लोग कुछ ईमेल भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई बंगाल जाना है यार, रास्ता बता दीजिए। तो कोई नहीं, आप लोग ईमेल करिए जिसको रास्ता का पूछना हो, खुद हम कॉल करेंगे और आपको रास्ता का बताएंगे। भाई देखो भाई, ऐसे परेशान करने के लिए ईमेल में एसएमएस मत करिएगा। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हम लोग बिरयानी खाएंगे क्योंकि छोटे वाला भाई का यहाँ का बिरयानी मतलब फेमस फेवरेट है। तो यहाँ का बिरयानी खाएंगे क्योंकि अभी बच चुका है दिन का 12। खाना अगर खाने के बाद फिर आगे निकलेंगे। हाँ तो भाई फाइनली बिरयानी के दुकान पे पहुंच चुके हैं, तो ये हमारे भाई साहब लगा रहे हैं यहाँ पे बिरयानी। तो इधर चेक करें, एक प्लेट लग चुका है और भाई अभी एक प्लेट और लगना है। भाई हमारे में एक लेग पीस दे देना है, ठीक है। चलो इधर भाई साहब बना रहे रुमाली रोटी, ये देखिए। तो चलो भाई बिरयानी लग चुका है, फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए भाई रुमाली रोटी इस तरीके से बनाया जाता है। हमें लग रहा है कि एक मिनट में तीन चार बना देते होंगे। अच्छे, अरे भाई क्या बात है यार। फिलहाल भाई अपना बिरयानी का प्लेट आ चुका है, अभी टेस्ट किया तुमने भाई? नहीं। अभी नहीं किया। चलो भाई तो ये है कुछ बिरयानी का शक्ल, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भाई मुरादाबादी बिरयानी कहते हैं। तो भैया ने चटनी अगर अभी लगा दिया है, ये चेक करें। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो फाइनली भाई बिरयानी अगर खा लिया, अभी निकल चुके हैं आगे, चलते हैं टोल अगर क्रॉस करेंगे। टोल क्रॉस करने के बाद फिर आगे निकलते हैं, देखते हैं बुकिंग कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है, जैसा भी होगा आप लोगों को पता चलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक अगर नहीं किया है तो ब्रो एक प्यारा सा लाइक तो चाहिए ही चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो फाइनली टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं और अंकल जी बेच रहे नारियल। 10 रुपए हुआ ना? चलिए ठीक है, तो आधा तोड़ के दो यार, अकेले खाओगे क्या? इतना थोड़ा सा, तो चलो भैया काट लीजिए जल्दी से। तो चलो भाई नारियल भाई ने दे दिया है। तो भाई आप लोगों ने दुर्घटना का एक नाम सुना होगा, दुर्घटना कैसे होता है, तो आप लोग आज दिखाने वाले हैं कि किन लोगों के वजह से दुर्घटना होता है। तो ये चेक करें भाई, ऐसे लोगों के वजह से दुर्घटना होता है। टेम्पो में भाई साहब ऊपर बैठे हैं लौंडे, ये देखो। अब भाई साहब इन लोगों को कौन समझाए, अब हम इन लोगों को बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि लोग रोज वाले हैं, ठीक है। बोलेंगे तो हम ही को ज्ञान देने लगेंगे, नहीं भाई हम ऐसे ही जाएंगे, ये है वो है फलाने का ना, बहुत सारे तरीके की बातें, ठीक है। जब क्या ही किया जाए, तो दुर्घटना ऐसे लोगों की वजह से ही होता है, तो ऐसे गाड़ियों से थोड़ा सावधान रहिएगा। तो भाई साहब यहाँ पे दारू का चेकिंग हो रहा है, हम पहुंच चुके हैं धोबी बॉर्डर, देख सकते हैं भाई एक गाड़ी जस्ट अभी दारू का पकड़ा, एक बार दिखा दो भाई।
कुछ भयंकर वच्चा हो गया भाई यहाँ पे। ये गाड़ी छूटेगा कि नहीं उसका? भाई साहब दारू का गाड़ी नहीं छूटेगा, ड्राइवर को सजा होगा क्योंकि दारू गाड़ी पकड़ा गया है। और जो दारू गाड़ी पकड़ाता है ना, एक पुलिस वाला बता रहा था बिहार का कि 6 महीना तक शायद जमानत नहीं होता है, जमानत करवा सकते हैं। मतलब बहुत पंचायत है यार, अब कौन दारू रखा उसमें, कैसे क्या हो गया ये सब हमें तो नहीं पता। वहाँ पर उधर कोई वीडियो तो नहीं बना सकते थे, कैमरा घुमाया वहाँ से सब कुछ ताकने लगे। तो भाई ये सब काम नहीं करना, नहीं करते आगे यार। हमारा गाड़ी निकल गया ना, हमारा गाड़ी खाली है, तो फिलहाल आगे जाएंगे। और हमारा जो बुकिंग था उससे बात हो गया पार्टी से, वो बोला कि आइए हाईवे पे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो हाईवे पे बातचीत करेंगे, अगर अभी लोडिंग होगा तो लोड कर लेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे घर। तो भाई चेक करें आप सब, बारिश होने लगा है जबरदस्त वाला, अचानक से भाई अचानक से पूरा पूरा मौसम ही चेंज हो गया यार। तो भाई साहब गया अगर हमने क्रॉस कर लिया है, अभी फिलहाल हम जा रहे थे बनारस की तरफ। तो हमारे मित्र आए हैं बहुत दिन बाद, मतलब फर्स्ट टाइम वो यूपी भी आए हैं, फर्स्ट टाइम बिहार भी आए हैं, और फर्स्ट टाइम झारखंड भी जा रहे हैं। मतलब तेरा भाई सेठी एक्सप्रेस आया। तो ये है भाई हमारे, ये देख सकते हो सेठी भाई, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा भाई से मिलके। पहली बार मैं भी अपने मीडियम भाई से मिला, काफी खुशी हुई। और मैं पहली बार आज जा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, रांची। रांची पहली बार तो काफी अच्छा मुकद्दर था। आ जाओ नीचे, आ जाओ आप नीचे, आ जाओ नीचे आते हैं। हाँ मीडियम को गले लगा के चलते। हाँ भाई, क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो भाई साहब फर्स्ट टाइम, लव यू भाई, फर्स्ट टाइम भाई से मुलाकात हुआ और काफी मजा आ रहा भाई साहब। अभी तो राजा भाई भी आने वाले हैं अगले महीना, उनसे ही मुलाकात करवाएंगे। राजा भाई ज्यादा साउथ लाइन चलते हैं, साउथ लाइन चलते हैं ना। तो भाई आप लोग चार गाड़ी वाले हैं ना? चार ट्रक है। तो ये सेठी भाई की गाड़ी है और ये इन्हीं का दोस्त की गाड़ी है, और पीछे भी देख सकते हैं। हाँ, और सब में एप्पल लोड है ना? एप्पल लोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए फिलहाल हम लोग अभी बहुत सारा बातचीत करने वाले हैं, बहुत सारा बातचीत करेंगे, उसके बाद सेठी भाई आगे जाएंगे और फिर हम जाएंगे बनारस की तरफ। तो भाई सेठी भाई से मिल लिया हमने, सेठी भाई से मिलकर बनारस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ देख सकते हैं जबरदस्त सीन हो चुका है। और ये सीन कैसे वो बता दें, एक गाय माता को बताने के चक्कर में ये ऐसा दुर्घटना घट गया है। तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग बता रहे बस एक मिनट आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है भाई साहब कि जो गाय को रोड पे छोड़ देते हैं आप लोग, भाई गाय को मत छोड़ा करिए रोड पे, क्योंकि ये जो आज हुआ ना ये किसी के साथ भी हो सकता है भाई, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फिलहाल दो दो क्रेन आ चुका है, देख सकते हैं एक क्रेन इधर है और एक क्रेन इधर है। इस गाड़ी को निकाला जा रहा है, दिल्ली नंबर गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है भाई, बताइए कहाँ से आया बेचारा और कैसे ये दुर्घटना हो गया। तो जो भी जानवर अगर आए थोड़ा सा घर पे ही बांध के रखने की कोशिश करिए, रोड पे दुर्घटना होने लगता है भाई साहब, बहुत जबरदस्त दुर्घटना होता है। तो ये देखिए क्रेन लगाया जा रहा है निकालने के लिए, भाई दिखा दो गाड़ी आगे बढ़ा देते नहीं, सीएनजी में आग नहीं लगेगा, सीएनजी में आग नहीं लगेगा। फिलहाल भाई हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद, और अभी हम हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे भाई अपना डीजल टैंक करवाएंगे फुल। तो एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, इनसे हम पूछेंगे कि डेंसिटी का मतलब देखिए कैसे आप सही से होता क्या है। डेंसिटी यानी तापमान, ठीक है, यानी तापमान उसका क्या डेंसिटी है, तापमान है वही चीज बता। जैसे एक चीज ये बताइए आप पेट्रोल, अभी 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 हम एक मिनट इधर कैमरा करो, हम पेट्रोल पंप का नाम नहीं बताएंगे कि किस पेट्रोल पंप में गए थे। तीन चार पेट्रोल पंप सेम पेट्रोल पंप था, ठीक है, इंडियन ऑयल का नहीं था भाई, बस आप लोग समझ जाइए। वहाँ पे चाचा ये जीरो था डेंसिटी नहीं बता रहा था, तो वो कैसा डीजल था? अब कैसा डीजल नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो डीजल था, हम नाम नहीं लेंगे, आप नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। वो टेम्परेचर जीरो हो तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका मैनेजर हमारे डेंसिटी का कॉलम तो गलत नहीं है, सही नहीं है, नहीं हम इसका कंप्लेंट किया जाता है। एक ही कंपनी के पेट्रोल पंप पे तीन चार पेट्रोल पंप पे गए, एक ही कंपनी का, सब जगह जीरो, साफ साफ बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे
डेंसिटी है ही नहीं, जीरो है, आपको भरवाना तो भरवाना तो निकली है, ऐसे बोल रहे हैं। गलत है कि नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? डेंसिटी देख के तेल भरवाना चाहिए? हाँ, डेंसिटी देख के। तो भाई डेंसिटी देख कर के, जिस पेट्रोल पंप पे 800 से ऊपर डेंसिटी हो आप उसी में तेल लें, ठीक है? क्योंकि इससे पता चलता है आपके डीजल डीजल का जो पावर है वो सही है कि नहीं, क्वालिटी सही है या फिर नहीं है, ठीक है? तो चाचा जी मैनेजर है, बहुत अच्छा बात हमें बताया है, तो हमारा टैंकी भी आप फुल कर दीजिए, निकलते हैं, ठीक है? तो भाई कभी भी आप लोग पेट्रोल पंप पे डीजल लें तो डेंसिटी जरूर चेक करें, कम से कम 800 अगर नहीं है तो 700 से ऊपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 700-800 से ऊपर नहीं रहेगा ये डेंसिटी, एक बार अच्छे से दिखा दो भाई, यहाँ पे देखिए डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चेक करके आप जरूर लें, जहाँ पे जीरो हो उस पेट्रोल पंप पे आप डीजल भरवाए ना। अच्छा, एवरेज में अंतर पड़ता है? एवरेज नहीं यार, गाड़ी भी खुल के आपका नहीं भाई, क्योंकि डीजल ही सही नहीं है, आपके अंदर पावर रहेगा तभी तो आप भागेंगे ना, जब डीजल में पावर ही नहीं तो गाड़ी भी नहीं भागेगा, माइलेज भी नहीं देगा, तो डेंसिटी चेक करके ही आप भरवाएं, 700 से ऊपर होना चाहिए, बस आप ध्यान रखिएगा। भाई छोटे वाला भाई ने पानी भर लिया, अपना डीजल टैंक फुल हो चुका है, इधर रुके चाय पीने के लिए, पेट्रोल पंप पे ही, उसी पेट्रोल पंप पे है। तो बता दें बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके, भाई हम पेट्रोल पंप पे डीजल अगर भरवा लिए, सोचा बाथरूम करेंगे, बाथरूम करने का जगह नहीं है, बहुत सारे पेट्रोल पंप क्या करते हैं ताला बंद करके मैनेजर को चाबी देते हैं, बोलते भाई हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है, तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि देखिए भाई गाड़ी वाले की वजह से पेट्रोल पंप चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करिए कि अगर हम लोग को टॉयलेट लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई साहब टॉयलेट करने के लिए, तो इसी वजह से कोई गाड़ी वाला हो तो उनके लिए खोल दीजिए। एक्चुअली देखिए ये सरकार का नियम भी है, पीने के लिए पानी होना चाहिए आपके पेट्रोल पंप पे, और तेल तो भाई देखिए बहुत पेट्रोल वाले बहुत देते हैं, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने बस इतना ही बताया कि आप कहीं भी डीजल भरवाइए या पेट्रोल भरवाइए, डेंसिटी आप देख के ही भरवाइए, 800 से 700 से ऊपर डीजल का होना चाहिए, 800 से ऊपर बढ़िया हो, 700 से ऊपर होना चाहिए, और अगर पेट्रोल भरवा रहे हैं तो 600-700 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों आप डेंसिटी ध्यान देके भरवाइएगा, डेंसिटी अगर सही हो तो आपकी गाड़ी माइलेज देगा और बढ़िया भागेगा। तो चलिए चाय पीते फिर निकलते हैं, आज अपने नसीब में चाय है ही नहीं यार, कब से सो रहे चाय पीने के लिए, चाचा जी हमारे लिए चाय बना रहे थे मेहनत से, भाई चाचा जी का दूध बढ़ गया, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं, मोहनिया साइड में जाके चाय पियेंगे, इसका पास ही ना, चलिए 5 बजे दे दो चलते हैं, फिर निकलते हैं। फाइनली भाई इस वीडियो का अभी तक एंडिंग हमने नहीं किया था, भाई थके हुए थे, सेठी भाई से मिल लिया, तो फाइनली सेठी भाई चले गए रांची और हम चले गए थे अपने घर पे, घर से निकले सुबह हुआ और जस्ट बुकिंग भी अपना कंफर्म हो गया, गाड़ी लोडिंग कर लिया, गाड़ी लोडिंग करने के बाद सफर में कंटिन्यू है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अलग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।